मेरा नाम सना सिद्दी ख़ानजादा है करंटली मैं एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है उसमें एज अ सोशल एंड जेंडर स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ मेरा ताल्लुक नौशाफरोज़ के एक छोटे शहर थारूशा से है और मैंने अपनी इब्तदाई तलीम वहीं से हासिल की मेरे लिए जो प्रॉब्लम्स हुई तब जब तक मैंने अपनी मेट्रिक और इंटर की तालीम के दौरान और उसमें काफ़ी हर्डल्स मुझे कुछ हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गए थे उसकी वजह से फेस करने पड़े और फिर मेरा जो तलीम के साथ सिलसिला था वो तकरीबन सात से आठ साल तक मुन हो गया था लेकिन मेरी वालदा जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनका ख्वाब था कि मैं अच्छी तालीम और अली तलीम हासिल करूँ तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट कर कर और दोबारा से मेरा मेरी एजुकेशन के साथ मेरा सिलसिला जो, जो है जोड़ दिया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की फिर मास्टर्स कियाकनॉमिक्स में ड्यूरिंग uh, मास्टर्स uh, ही मैंने अपनी uh, जॉब का आगाज़ किया और वहीं नौशर फरोज़ से मैंने अपनी मेरी uh, पहली जॉब थी जो कि uh, उस वक्त शायद मेरी मेरा शौक नहीं था लेकिन मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहती थी और uh, मैं चाहती थी कि uh, मैं कहीं ना कहीं इंगेज हो जाऊं जो भी मेरे साथ मसले मसाइल हुए हैं uh, जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई है मैं उनसे अपने आप कोहनी तौर पर मैं uh, दूर करना चाह रही थी तो उस सिलसिले में मैंने जॉब की परमिशन हमारे यहाँ नहीं होती थी आ, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ चाहे वो कितनी भी अच्छी तालीम हासिल कर लें ज़्यादातर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही मुंसलिक हैं थोड़ी बहुत जो दूसरी फील्ड्स में गई भी आ, हैं तो वो बहुत रेयर केसेस ऐसे होंगे लेकिन आ, मैं अपने अपनी फैमिली की आ, पहली शायद लड़की हूँ या जिन्होंने इस लेवल तक आकर मैं जॉब कर रही हूँ या मैंने काफ़ी सारे चैलेंजेस को भी फेस किया और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाकर काम किया प्रोफेशनली मैं अपने एजुकेशन आ, मेरी मास्टर्स ऑफ इकनॉमिक्स थी तो ड्यूरिंग जॉब ही मैंने फिर अपना बी एड और एम एड कम्प्लीट किया क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर मेरी ये प्राइवेट जॉब है और मुझे अगर एजुकेशन की फ़ील्ड में क्योंकि एक कॉन्सेप्ट माइंड में था मेरे कि भाई हम लोगों को हमारी कम्यूनिटी में एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और हमारी वाली जो तालीम है उसको ज़्यादा सॉरी जिस सेक्टर में मैं काम कर रही हूँ उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता तो मैं जो है ना वो मैं भी एजुकेशन की तरफ आऊँगी तो उस वजह से मैंने बी एड और एम एड किया लेकिन उसी दौरान में मुझे फ़ील हुआ कि नहीं मेरे अंदर सलाहियतें हैं और मैं एल एल बी कर सकती हूँ एल मुझे ला पढ़ कर और एडवोकेट होना चाहिए तो मैं जो भी मेरी अर्निंग हो रही थी उसके ज़रिए ही मैंने अपनी मैंने एल एल बी भी कम्प्लीट किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी दर्शगा हैं वहाँ पर वो माहौल नहीं है कि जहाँ जा, पर गर्ल्स तालीम हासिल कर सकें और जो वो ख्वाब आँखों में बसाती हैं ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए उन ख्वाबों को पूरा किया जा सके क्योंकि जब हम स्टडी के लिए जाते थे वहाँ तो वो सुनसान एक मैदान लगा हुआ होता था हमारे कॉलेज का और वहाँ पर सिर्फ बॉयज़ मौजूद होते थे तब उस दौर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मैं भी तालीम हासिल कर सकती हूँ इट्स ओके ये okay हैं तो मैं फेस कर लूँगी मैं ख़फ़ज़दा हो गई और मैंने जाना छोड़ दिया एल एल बी तो कर ली लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस करना चाह रही थी तो जो एडवोकेट हैं उनकी नज़रें मुझे काबिल नहीं छोड़ा कि मैं अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करूं और अपनी इनमेंट करवाऊं और मैं एडवोकेट बन सकूं मैंने उस सिलसिले को उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दिया तो मैं जॉब कर रही थी जिस डिपार्टमेंट में एन सेक्टर में मैंने वहां पर अपना मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ था लेकिन मैंने वहाँ से स्विच कर कर हैदराबाद में जॉब की वहाँ भी शायद दो महीने ही मैंने किया लेकिन वो भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा माहौल उसके बाद एक एजुकेशन का रिसर्च प्रोजेक्ट था थरपा मैंने वहाँ पर काम किया वो काफ़ी चैलेंजिंग थी मेरे लिए क्योंकि मेरी वालदेन और मेरी फैमिली ने मुझे पहले ही बहुत मुश्किल से परमिशन दी थी जॉब की जो मैं नौशा फरोज़ में ही कर रही थी अब नौशा फरोज़ से थर पार कर जाना और वो भी मतलब एक लड़की के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे घर गर, मेरे घर वालों के लिए भी मुश्किल कन था फ़ैसला लेकिन मेरे मामू हैं उन्होंने काफ़ी उनको मोटिवेट किया मेरी वालदा को और मेरे भाई को भी कि आप लोग जो हैं इनको परमिशन दें और इस पर बिलीव रखें हमें बच्चियों पर ट्रस्ट करना होगा तभी आगे बढ़ सकेंगी और सो so, अगर ये कुछ करना चाहती है भले नो डाउट आप लोगों की सपोर्ट है इसको फाइनेंशली लेकिन अगर ये कुछ करना चाहती है तो इसको ज़रूर वो मौका फ्राहम करें तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मेरे भाई ने और मेरी वालदा ने मुझे एलो किया और मैं थरपालकर में मैंने जॉब की वो सात से आठ महीने की रिसर्च प्रोजेक्ट था हमने वो कम्प्लीट किया लेकिन वो बड़ा एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था मेरे लिए क्योंकि घर से दूर मैं जॉब कर रही थी नो डाउट प्रोफेशनल जो चीज़ें तो लर्निंग होती है लेकिन जो मेरी पर्सनल ग्रूमिंग थी वो वहाँ से हुई उसके बाद फिर एक उमरकोट में वॉश का प्रोजेक्ट था मैंने उसमें काम किया फिर वहीं पर एक आई एन जी ओ में को मैंने ज्वाइन नहीं बल्कि मैंने उसके बाद वॉश के प्रोजेक्ट के बाद मैंने स्विच किया मैंने राइट्स पर एक प्रोजेक्ट था वो भी उमरकोट में इम्प्लीमेंट किया उसके बाद एक आई एन जी ओ को उमरकोट में ही ज्वाइन किया तो थरपारकर उमरकोट एक बड़ा टफ़ एरिया था और बड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए घर पे जाना भी क्योंकि वहाँ पे सिर्फ संडे ऑफ होता था और लेकिन वहाँ के लोगों से और वहाँ के माहौल से शायद जितना कुछ मैंने सीखा वो कभी भी मैं अपने घर में रहकर नहीं सीख सकती थी आ, लोगों से बात करना लोगों को किस तरह से फेस करना है किस तरह से अपने अपने किरदार को मजबूत रखना है क्योंकि एक सोच मेरे जहन में थी जब मैं पहली दफ़ा थरपार कर गई कि मेरे माँ माँ बाप मेरे बहन भाई मुझ पर ट्रस्ट करके भेज रहे हैं तो मैंने अपने किरदार को मजबूत करके रखना है चाहे जो भी माहौल जो भी चीज़ें आए मैंने कभी भी डिसार्ड नहीं होना ना ही मैंने गिवअप करना है मुझे अपनी मेहनत और अपनी जस्तुजू को कंटिन्यू रखना है अल्लाह ताला मेरे लिए मौके ख़ुद फराम करेंगे उसके बाद जब लकीली जब मैंने हैदराबाद में एक आई एन सॉरी उमरकोट में एक आई एन जी ओ को ज्वाइन किया तो उनका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था हैदराबाद में जो कि 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट होता वहाँ पर, पर मुझे आई एम एन ई की पोजीशन पर मेरा ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे मौके मिले काम के हवाले से और मैंने दिन रात बड़ी मेहनत की और मुझे खुशी होती थी कि मैं काम कर रही हूँ मेरी बस लगन और जस्तुजू काम होती थी बाकी सब सोशल एक्टिविटीज़ इन चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता था और लोग क्या कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं कैसे कर रहे हैं मेरी लगन मेरे काम के साथ होती थी मल्टीपल असाइनमेंट्स आ जाते थे तो मैंने हमेशा वो हंस और बड़ी रेस्पॉन्सबिलिटी के साथ उनको डील करती थी उसमें मेरी अपनी पर्सनल लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई आ, उसके बाद तकरीबन ढाई से तीन साल मैंने वहाँ काम किया और वो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से ऑपरेशन अपनी क्लोज़ कर रही थी तो मुझे तकरीबन सेवनटीन सेटीन डेज़ के बाद ये जॉब ऑफर हो गई जो मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ यहाँ पर तकरीबन मुझे पाँच साल चार साल कंप्लीट हो गए हैं पाँच पा साल चल रहा है इसमें भी बड़े अप्स एंड डाउनस आए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही थी मुझे लग रहा था कि मैंने पब्लिक डेवलपमेंट सेक्टर से स्विच करके पब्लिक सेक्टर में आकर कहीं गलती तो नहीं कर दी क्योंकि यहाँ पर फिर गवर्नमेंट के लोगों के साथ काम करना फिर एज ए इंडिविजुअल कंसल्टेंट अपने रोल प्ले करना फिर ये गवर्नमेंट ये जो प्रोजेक्ट है हमारा पूरी सिंध में इम्प्लीमेंट हो रहा है तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर एन हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन तो एज़ ए फोकल पर्सन तकरीबन मैंने अपनी इस कैरियर में पंद्रह ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके साथ मैंने एज़ ए फोकल पर्सन काम किया प्रोजेक्ट के ब्याव पर हमारे पास तीन बड़ी कंसल्टेंसीज फ़र्म्स हैं उनके साथ इंगेज रही अपने हमारे 24 अजला में अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं डायरेक्ट्रेट्स हैं इनिशियली बड़ी मुश्किल लगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने जो यहाँ का मेरे पीआईयू का स्टाफ था हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जितनी भी पीआईयू की टीम है उन सब ने काफ़ी सपोर्ट किया ये अलग बात है कि रास्ते मैंने अपने लिए खुद बनाए सबको यह लगता था कि मैं औरत हूँ मैं फील्ड में नहीं जा सकती तो वो उनकी कोशिश होती थी कि मैं ऑफिस में बैठ जाऊँ लेकिन मैं चूँकि एक हार्ड वर्किंग वूमेन रही हमेशा से तो मैं ख़ुद एक्सप्लोर करती थी मैं इनको बोलती थी नहीं आपने पाँच बजे चलना है तो फील्ड में मैं चलूँगी कोई इशू नहीं है लेट से आएंगे मैं ग्राउंड पे देखना चाहती हूँ कि चीज़ें किस तरह से हैं उस सारे करियर में ये रहा कि जो अप्स एंड डाउनस मेरी लाइफ में आए तो मैंने अपना एक एम बना लिया था कि जो ग़रीब लोग हैं ख़ास पर जो औरतें हैं और उस औरतों में भी जो लड़कियाँ हैं आ, मैं उनकी फलाह के लिए उनकी असलाह के लिए कोई काम कर सकूं। और जब मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया तो हमारा एक कंपोनेंट घरेलू सतापे बागबानी जिसको आमतौर पे किचन गार्डन कहा जाता है हम वो हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली थी तो जब मैं यहाँ आई तो इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमारा कोई रिजल्ट फ्रेमवर्क है उसमें हमने वुमेन इंक्लूजन करनी है मैं चूँकि मेरी प्योर रेस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन इंक्लूजन है तो मैंने आकर जो है ना एफ़र्ट्स लेना शुरू की कि हमारे जिन कंपोनेंट हैं हम उसमें मैक्सिमम औरतों की पार्टिसिपेशन करवाएं लेकिन जो हमारे दूसरे कंपोनेंट्स थे वो ज़्यादातर लैंड ओनर्स से ज़्यादा जो है ना वो मुंसलिक थे तो मेरा वहाँ पे शायद बहुत मुश्किल हो जाता था जिन गार्डनिंग वाला कंपोनेंट है उस पर मेरी मैक्सिमम कोशिश होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट ने कोई 97 परसेंट औरतें हैं जिनको सोशो इकनॉमिकली उनको सपोर्ट किया है और काफ़ी अच्छा वो औरतें रोल भी प्ले कर रही हैं सो uh, so, इस पूरे कैरियर में जितने भी अप्स एंड डाउंस और जितने भी चैलेंजेस uh, मेरे सामने आए उसमें uh, मेरी जो हमारी यूथ को मैसेज होगा वो ये होगा कि सबसे पहले तो अपनी जो आपकी तालीम है उसको फोकस करें कि आपका शौक किस तरफ है आपके uh, जो है ना आप बेहतर परफॉर्म किस uh, जो फील्ड में कर सकते हैं आप उसकी सिलेक्शन करें और अब लकीली हमारे पास YouTube और सोशल मीडिया जैसे चैनल्स मौजूद हैं यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर करें कि उसका कितना स्कोप है आप कितना आगे बढ़ सकते हैं और अपने शौक को मद्देनज़र नज़र रख कर अपनी फील्ड की सिलेक्शन करें मेरी तरह ये नहीं है कि आपने एम भी कर लिया और आपने लिए दो तीन रास्ते बना लिए लेकिन आपने जाना किसी और चौथे रास्ते की तरफ हो तो आपने सबसे पहले अपनी जो एजुकेशन है उसके हवाले से अपनी फील्ड का सिलेक्शन करना है कि आपका शौक किस तरफ है किस तरफ आप आगे बढ़ सकते हो क्योंकि मेरा मानना यह है कि एजुकेशन हो या काम हो जहां आपका शौक़ होता है जहां आपका पैशन होता है आप आगे वहीं बढ़ते हो वहीं पर आपको कामयाबी मिलती है दूसरी बात ये कि अपने ऊपर बिलीव रखें अपने ऊपर ट्रस्ट रखें कि आप कर सकते हो नो no डाउट कोई भी चैलेंज कोई भी मुश्किल आपके आ, सामने आ रही हैं आप उनको फ़ेस कर सकते हो कभी भी हारें नहीं कभी भी गिव ना करें सिचुएशन से नो no डाउट बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल हालात आ जाते हैं हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके साथ है और आप आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस मौजूद है कि आप कर सकते हो वो चीज़ें आप आ, कर जाते हो और मेरा इस पर स्ट्रॉग बिलीव है कि आप अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते भी बना देते हैं क्योंकि मैं ख़ुद उसकी एक मैं अपने अपने आप को मिसाल समझती हूँ और मैं जो है ना वो खुद को ही मिसाल देकर मोटिवेट भी हो रही होती हूँ कि जब तक इंसान खुद नहीं चाहता तब तक खुदा भी उसकी मदद नहीं करता तो आप अपनी एजुकेशन के लिए अपनी आ, सही फील्ड की सिलेक्शन करें और अपनी जो कैरियर है प्रोफेशनल कैरियर है उसमें भी अपनी सही फील्ड का, का यूज़ करें दूसरा ये कि आप अपने काम के साथ कमिटेड रहें सिंसियर रहें और अपना एक एम बना लें तो देखें अल्लाह पाक किस तरह से आपके लिए रास्ते बनाता है और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं कभी भी हालात से ना घबराएं चीज़ें जैसे हमारे यहाँ आजकल हालात पैदा हो रहे हैं शायद और ज़्यादा इससे आइंदा आने वाले हालात इससे ज़्यादा मुश्किल होंगे लेकिन उतनी ही ज़्यादा सहूलतें भी मौजूद हैं आप उन सहूलतों को अवेल करें आप सोशल मीडिया के पॉजिटिव भी इम्पेक्ट्स हैं तो आप कोशिश करके वो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको अपने उनको फॉलो करें